अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन चाप मसाला की रेसिपी, जो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट उससे भी कई ज़्यादा अच्छा चिकन की ग्रेवी बनेगी और साथ में चिकन जो है वो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो चलिए बनाते हैं ये चिकन चाप मसाला। तो ये रेसिपी बनाने के लिए 8 से 10 मैंने ले लिए है काजू। 1 टेबलस्पून हम लेंगे मगज के बीज, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। और साथ में मैंने 1 टीस्पून ले ली है खसखस। तो इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ में हम इसमें और चीज़ें शामिल कर लेंगे। तो 3 हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये तोड़कर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 हरी मिर्च। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, रफली मैंने चॉप कर लिया था प्याज को, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे पीस लेंगे और इसका स्मूथ एकदम पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका पेस्ट जो है वो बना लिया है। सारी चीज़ों का एकदम फाइन मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हमें चिकन को मैरिनेट करना है। तो ये 2 मैंने लेग पीस ले ली है चिकन के, जिसे साफ़ करके वॉश कर लिया था। और इस तरह से देखिए डीप कट मैंने लगा लिए हैं ताकि मसाला जो है वो अंदर तक जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने काजू, खसखस, प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया था, वो सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 70 ग्राम के करीब दही, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। और साथ में यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दी है दूध पर जमी हुई मलाई। और ये जायफल मैंने ले लिया है। तो इस तरह से हम इसे घस लेंगे और जायफल थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे, लगभग 1/4 टीस्पून से भी कम है ये। इस तरह से जायफल घस लेना है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है तेल। अब ये सारी चीज़ें हम चिकन में मिक्स कर लेंगे, जो मसाला है वो चिकन पर अच्छे से कोट होना चाहिए। तो मिलाते हुए हम इसे लगा लेंगे सारे चिकन के ऊपर। जो ये ग्रेवी बनेगी इस मसाले की, उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, सारा मसाला मैंने चिकन के ऊपर अच्छे से लगा लिया है। तो अब हम इसे कम से कम 2 से 3 घंटे तक मैरिनेट करने रख देंगे, या आप ओवरनाइट भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। ये मैंने 3 घंटे तक चिकन को मैरिनेट किया। अब हम एक पैन गरम करने रख देंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। और देसी घी के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून तेल। और तेल और घी अच्छा हम गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तब हम इसमें पहले चिकन को फ्राई करेंगे। तो हमने जो मैरिनेट कर लिया था चिकन को, वो चिकन हम इसमें रख देंगे। मसाला क्योंकि मैरिनेशन का हमने ज़्यादा बनाया था, तो वो मसाला हम इसी तरीके से रहने देंगे। जो चिकन के ऊपर मसाला लगा हुआ है, वही मसाले के साथ हम चिकन को पहले फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर हमें चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक इस पर अच्छे से दोनों तरफ गोल्डन मार्क्स नहीं आ जाते। तो ये एक तरफ से हो चुका है, दूसरी तरफ से भी पलट कर ये देखिए, इस तरह से मैंने गोल्डन मास आने तक चिकन को फ्राई कर लिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ दोनों तरफ से, ये देखिए इस तरह से मास आ चुके हैं। ये हाई फ्लेम पर ही मैंने चिकन को फ्राई किया है बहुत ही अच्छे से। अब ये चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। तो हम इसमें डाल देंगे मसाला, जो हमने मैरिनेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, मसाला ज़्यादा बनाया था, तो वो हमने चिकन फ्राई करने के बाद ये मसाला ऐड कर देना है। और मसाला ऐड करने के बाद हम भूनेंगे मसाले को जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। ये देखिए, इस तरह से जब मसाले में तेल रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पहले तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर मसाले को भूना। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी, क्योंकि हमें ग्रेवी की थोड़ी कंसिस्टेंसी भी चाहिए और साथ ही में चिकन भी थोड़ा गल जाएगा, क्योंकि हाई फ्लेम पर हमने चिकन को फ्राई किया है तो थोड़ा गलने में और वक्त लगेगा चिकन। यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। और 5 मिनट हम एक तरफ से पकने देंगे चिकन को। फिर 5 मिनट जब एक तरफ चिकन पक जाएगा तब हम पलट कर उसे दूसरी तरफ और पानी में 5 मिनट पकाएंगे। तो पहले तो मैंने मिक्स कर लिया और ये देखिए, एक तरफ से ये 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो दूसरी तरफ भी हम पलट लेंगे चिकन को, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत ही अच्छा गला हुआ होना चाहिए, तो ही अच्छा टेस्ट आता है और चिकन खाने का मज़ा भी आता है। तो ये पलट लेंगे हम
मीडियम फ्लेम पर मैं पका रही हूँ। तो ये एक तरफ से पलटने के बाद दूसरी तरफ भी मैंने पलट लिया और फिर हम इसे पकने देंगे। तो यहाँ पर अब हम ढक्कन ढककर पकने देंगे 5 मिनट के लिए। तो टोटल हम यहाँ पर चिकन को 10 मिनट तक पकाएंगे। और ये देखिए दोनों तरफ से मैंने चिकन को 5 मिनट पहले और 5 मिनट ढककर फिर पका लिया था। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी देखिए अभी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि हमें थोड़ी गाढ़ी ही चाहिए थी। चिकन भी हमारा अच्छे से यहाँ पर गल गया है। तो अब हम इसमें और चीज़ शामिल करेंगे जिससे इसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। तो पहले तो हमने यहाँ पर इसे अच्छे से एक बार एक मिक्स दे दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। यहाँ पर 5 से 6 बूंद मैंने केवड़ा वाटर की डाल दी है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे केसर वाला दूध। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया था दूध, जिसमें मैंने 10 से 12 केसर की पत्तियाँ भिगो कर रखी थी, वो केसर वाली पत्ती दूध हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे, इससे हमारे जो चिकन चाप मसाला का टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। दोनों तरफ से हमें इसे पकाना है चिकन को फिर से। बस इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अलट पलट करते हुए मैंने 3 से 4 मिनट तक और पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, जिसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट है सारे मसालों का, काजू, खसखस, मगज के बीज, साथ ही में जो हमने एसेंस भी इस्तेमाल किया है, केसर का भी दूध वाला इस्तेमाल किया है, इससे चिकन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में जायफल का भी इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए अभी हमारा चिकन चाप मसाला तैयार है। तो हम गैस की फ्लेम अब बंद कर देंगे और गर्मा गर्म ये चिकन चाप मसाला करेंगे सर्व। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, आप रेस्टोरेंट का स्वाद भी भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से ये घर पर बनाएंगे, जो सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसे खास करके तंदूरी रोटी या बटर नान के साथ सर्व करें, और या फिर आप इसे ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें, यह बहुत ही टेस्टी लगेगी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा भी। ये देखिए कितना स्मूथ है चिकन और कितना अच्छे से गला हुआ है और अंदर तक पूरा मसाला गया हुआ है। और साथ में जो ग्रेवी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम चिकन जो है इस तरह से आपका भी रहेगा सॉफ्ट, और जैसे आपको मैंने बताया वैसे ही स्टेप फॉलो करके बनाएं। और ये देखिए ग्रेवी, आप इसे ज़रूर से बनाइएगा।